एकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम सांख्यिकी क्या है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी क्या है, तो अर्थशास्त्र के बारे में आपने अभी जाना। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत सांख्यिकी एक अलग सा विषय है। बिना सांख्यिकी के हम अर्थशास्त्र को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए अर्थशास्त्र में इसकी क्या उपयोगिता है, सांख्यिकी का क्या अर्थ है, इन सब को जानने के लिए हमें इसका अध्ययन करना होगा। तो इसको हम एकवचन और बहुवचन दो भागों में विभाजित करते हैं इसकी परिभाषा को। तो एक वचन के अंतर्गत हम कह सकते हैं सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों से इसका अध्ययन होता है, और बहुवचन के रूप में हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़े। तो एक वचन के रूप में हम कह सकते हैं संख्याओं का संकलन है, वर्गीकरण है तथा प्रयोग का विज्ञान, या संख्या की तथ्य इसको कहा जा सकता है। हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि सांख्यिकी को आंकड़े कहा जाता है, और आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रात्मक और गुणात्मक। दो प्रकार के आंकड़े होते हैं जिनका अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं अर्थशास्त्र में, जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि भारत में चावल का उत्पादन 1974-75 में 39.58 मिलियन टन था, जो बाद में 1984-85 में बढ़कर 58.64 हो गया। तो ये एक मात्रात्मक तत्व है, इसमें मात्रा के बारे में दिया गया मिलियन टन्स, ठीक है, यहाँ मिलियन टन्स। संख्यात्मक अंक पूरा दिया हुआ है, संख्याओं में इसको तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सांख्यिकी आंकड़े कहलाएंगे। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में मात्रात्मक तथा गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है, और जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हमें लड़के या लड़कियां, पुरुष और स्त्रियां, इन प्रकार के लोगों का आंकड़े इकट्ठा करना हो और फिर किसी व्यक्ति के गुणों, कोटियों आदि की उपयोगिता, जैसे अच्छा बुरा, स्वस्थ अस्वस्थ, अधिक स्वस्थ, कुशल अकुशल, अत्यधिक कुशल आदि के आंकड़े इकट्ठे करने हो, मतलब किसी व्यक्ति की विशेषताओं, उनके गुणात्मक संख्या को हम अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं। इसे सांख्यिकी का अर्थशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जा सकता है। कीमत, आय, कर भुगतान आदि ये मात्रात्मक सूचनाएं होती हैं जो कि संख्याओं में प्रदर्शित की जाती हैं, और कुछ संख्या व्यक्ति के समूह में भी व्यक्त की जाती हैं जिनको हम इकट्ठे आंकड़े बोलते हैं। तो आंकड़े दो प्रकार के हुए, मैंने कहा, जो अर्थशास्त्र में शामिल किए जाते हैं। एक होते हैं तुम्हारे मात्रात्मक, जिसमें संख्याओं में आंकड़े दिखाए जाते हैं, जो जैसे चावल आदि के बारे में जो आंकड़े दिए गए थे संख्या में, और गुणात्मक हो गए तुम्हारे, जिनको हम लोगों की जो उसमें विशेषताएं होती हैं, अच्छा बुरा, स्वस्थ अस्वस्थ, लड़का लड़की, इस तरह हम उनके आंकड़ों को भी इसमें शामिल करते। तो दोनों आंकड़ों का प्रयोग करके हम उसे अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं।
अर्थशास्त्र में आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उसको समय सारणीबद्ध आरेखीय रूप में प्रस्तुत करना, फिर आंकड़ों को मध्य प्रसारण मानक विचलन आदि विभिन्न संख्यात्मक सूचकांकों का परिकलन किया जाता है। मतलब आंकड़े इकट्ठा करने के बाद उनको सारणीबद्ध करा जाता है, क्रम में आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनको आलेखी रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद मध्यम मीन मोड मीडियन उनका निकाला जाता है या मानक विचलन का प्रयोग किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन और रेखाचित्र द्वारा आंकड़ों को और आकर्षित बनाया जाता है। सांख्यिकी क्या करती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या उपयोग है। तो आर्थिक जो समस्याएं होती हैं किसी भी देश में उसको समझने में सांख्यिकी हमारी मदद करती है। आर्थिक समस्याओं के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से हम खोजने का प्रयास करते हैं। जब हमें समस्या का पता चलता है तो उसके लिए हम नीति का निर्माण करते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं ताकि समस्या को हल कर सकें। परंतु समस्या को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। आंकड़े इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करना होगा। उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहेंगे, जैसे कश्मीर में हाल ही में आए भूकंप के दौरान 310 लोगों की मौत हुई, यह एक तथ्यात्मक है और सांख्यिकी आंकड़ा है। जबकि अगर हम ये कहें सैकड़ों लोगों की मौतें हुई तो सांख्यिकी आंकड़ा नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले आंकड़े पहचानने होंगे कि आंकड़े जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो सही हैं या गलत। तो सांख्यिकी आंकड़ों के समूहों को कुछ संख्यात्मक मापों के रूप में प्रयोग करता है, जैसे मध्य प्रसारण आदि। संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है और सभी लोगों की आप आय को याद नहीं कर पाओगे, याद रखना संभव नहीं है। तो किसी व्यक्ति के लिए संख्यात्मक रूप से प्राप्त अंकों जैसे औसत आय आदि को याद रखना ज़्यादा आसान है। तो सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों को समूह के विषय में सार्थक और समग्र सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर कीमत में वृद्धि होती तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की पूर्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों की आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, क्या प्रभाव पड़ेगा? जब सरकारी व्यय बढ़ता है तो सामान्य मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे कई प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं और ये सारी समस्याएं हम आंकड़ों की सहायता से पूर्ण करते हैं। तो आंकड़ों में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके सरलता से कार्य किया जा सकता है और किसी भी समस्या का पूर्व अनुमान तथा उसके जो रिजल्ट होते हैं उनको प्रभावित किया जा सकता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि राष्ट्रीय आय पर आज निवेश के प्रभाव को जानने में हो सकता है। आंकड़ों का प्रयोग भविष्य की राष्ट्रीय आय पर आज के निवेश के प्रभाव को जानने में हो सकता है और बिना सांख्यिकी ज्ञान के हम ये नहीं कर सकते। तो कई सारी जो हमारे देश में योजनाएं बनी
वो सब योजनाओं में सरकार ने आंकड़े इकट्ठे किए देश भर से, और उन आंकड़ों के आधार पर ही योजनाओं का निर्माण किया गया कि किस क्षेत्र में कितना निवेश की आवश्यकता होगी। तो अंत में हम यही कहेंगे कि आजकल की जो जितनी भी गंभीर आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे मूल्य वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता आदि के विश्लेषण में सांख्यिकी का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है, और सरकार इन समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढ रही है, और सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग कर हम जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार नियोजन की नीतियां कैसे लागू हो, इसके लिए सरकार योजना बनाती है। तो सांख्यिकी के माध्यम से ही हम अपने देश की महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतों आदि पे सरकार निर्णय लेती है कि हमें कितना तेल आयात करना चाहिए, कितना विदेशी मुद्रा हमें खर्च करनी चाहिए, आयात निर्यात के अंतर को कम करना चाहिए। तो तेल के आयात का निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक हमें तेल की वास्तविक आवश्यकता की जानकारी ना हो, और ये जानकारी हमें आंकड़ों से प्राप्त होती है, और आंकड़े हम देश भर में कई माध्यम से इकट्ठे करते हैं, फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। तो सांख्यिकी के बारे में अंत में मैं यही कहूँगा कि सांख्यिकी अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना सांख्यिकी के हम अर्थशास्त्र में कई सारे जो सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण नहीं कर सकते, और सांख्यिकी का प्रयोग करने से हम किसी भी समस्या को हल करने का प्रयास कर सकते हैं, किसी घटना की सत्यता जांच की जा सकती है, पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है किसी समस्या को हल करने के लिए, और सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने में सांख्यिकी हमारी मदद करती है। तो ये था अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।